हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का जो भैया मुद्दा है फंडा है जिसका नाम NFC लिखा हुआ है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे और बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रश्न भैया आपके प्रश्न पत्रिका में भी पूछे जाते हैं, तो उनका क्या उत्तर देना है वो सारे की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए। आपका कम से कम समय लूंगा, अपने तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले भैया जानने से कि आखिर ये NFC क्या है। तो देखो जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या बनता है इसका, देखो यार एक सिंपल सा एक टेक्नोलॉजी है जो कि कनेक्ट करने के काम आती है, कम्युनिकेशन करने के काम आती है, डेटा एक्सचेंज करने के काम आती है। सिंपल इतना समझ में आ गया, कम्युनिकेशन से तो इतना समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ये फंडा क्या है, नियर फील्ड वाला फंडा क्या है, ये फील्ड मतलब क्या है, इसमें फील्ड कौन सी यूज हो रही है। तो इसमें जो फील्ड हम यूज करते हैं वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन ये नियर फिर क्या निकल के आता है, मीनिंग नियर का मतलब ये है कि वो बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, जो उसकी पावर है या जो ऑपरेट करता है, जो कनेक्ट करता है वो शॉर्ट रेंज में करता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो शॉर्ट रेंज कितनी भैया, 4 सेंटीमीटर या उससे भी कम। तो 4 सेंटीमीटर के आसपास या उससे भी कम अगर रहा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फास्ट वे में जो कनेक्टिविटी है उसको प्राप्त होती मिल जाती है और फिर कम्युनिकेशन होना भी जो है, बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन किसके बीच में शुरू होती है, शुरू होती है बिटवीन द NFC अनेबल्ड डिवाइसेज। जी हाँ, ये समझना आपको जरूरी है कि NFC अनेबल्ड डिवाइसेज होते हैं कि जिनमें भैया चिप मौजूद होगी और फिर उसके जरिए ये जो भी अपनी फील्ड है इस मीडियम के थ्रू ये कम्युनिकेशन या डेटा एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सकेगी, एंड दैट फॉर्म्स अवर नेम एज नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब एक और चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये इंस्पायर्ड कह सकते हो या फिर इट इज बेस्ड अपॉन दिस रिस्पेक्टिव फंडा जो कि अपन पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो कि IoT प्लेलिस्ट में मौजूद है, जरूर जाइए देखिए। वहां मैंने बड़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया कि RFID क्या होता है, ये चीज भैया आपको समझनी पड़ेगी और उसके लिए वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर बेस्ड ही आखिरकार ये आप NFC देख सकते हो, एक इवॉल्व वर्जन या एक्सटेंशन की तरह आप NFC को देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं भैया इन दो टर्म्स के ऊपर। देखो NFC enabled device तो हमने कह दिया, लेकिन इसमें भी भैया आप देखोगे active devices होते हैं, मतलब active NFC devices या फिर passive NFC devices। active और passive से मेरा मतलब क्या, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पावर की, कि क्या वो जो आपका डिवाइस है उसके पास खुद की पावर है या नहीं। अगर उसके पास खुद की पावर है तो उसे आप बोलोगे एक्टिव डिवाइस। भैया ये एक्टिव NFC डिवाइस है, इसके पास खुद की पावर है, ये सेंड रिसीव की प्रक्रिया परफॉर्म कर सकता है। बड़ा ही सिंपल सा मामला होगा। एग्जांपल इसका जैसे अपने स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वो भी NFC एनेबल्ड और पावर भी होता है, तो एक तरीके से ये सेंड और रिसीव का फंडा, डेटा एक्सचेंज का फंडा, कम्युनिकेशन का फंडा बड़ा ही आसान हो जाता है यहां पे। अब जब मैं बात करता हूं पैसिव की, पैसिव मतलब क्या कि भाई इनके पास अपना खुद का कोई पावर नहीं है, आप बात समझ पा रहे हो, खुद का कोई पावर नहीं है। हाँ यहाँ पे छोटी मोटी जो ट्रांसमिशन है, छोटा मोटा डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि टैग्स का एग्जांपल हो गया, बराबर है। तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जैसे कोई कॉन्टैक्ट में आता है NFC डिवाइस तो भैया उसको सेंड कर सकते हैं, बराबर ये प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन खुद का पावर नहीं होता यहाँ पे, जब तक कोई सामने से चल के अपना पावर लेके नहीं आता, ओके, तब तक जो है ये शांत रहता है, ये सोया हुआ होता है डिवाइस, बराबर है कि नहीं। लेकिन जैसे कोई आता है तो वो उसके साथ कनेक्ट करता है और मीडियम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, ये चीज अपने को यहाँ पे समझनी है, ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर तौर पे कहाँ होता है, तो आप देखोगे भैया इसका ज्यादातर तौर पे जो यूज है या इस्तेमाल है, यूज केसेस जो आप अभी मार्केट में चलते हुए देखोगे वो है भैया ट्रांजेक्शंस, पेमेंट्स जो हम परफॉर्म करते हैं। आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, टैप एंड गो, टैप एंड पे, मतलब आपका जो कार्ड होता है, बराबर है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, अगर वो NFC अनेबल्ड है तो जो भी डिवाइस, पेमेंट डिवाइस जो है, बराबर है, आप उसके अगर करीब लेके जाते हो 4 सेंटीमीटर या उससे भी कम, यानी कि आपने टच ही कर दिया एक तरीके से, तो क्या होता है जो भी डेटा है उस कार्ड में वो आपका कहाँ जाता है, आपके उस पेमेंट प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है और वो प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और जितना पैसा काटना होता है वो काट के आपको भैया रिसीट थमा देता है। ये प्रक्रिया, अब ऐसा नहीं कि भैया कार्ड के थ्रू ही हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप अपने फोन के थ्रू भी कर सकते हो ये चीज, क्योंकि आपका फोन भी जो है NFC enabled device होता है, वो तो एक्टिव डिवाइस है, बराबर है कि नहीं। तो आप भैया अपने फोन में जो भी कार्ड की डिटेल है वो रख सकते हो, टैप कर सकते हो उस मशीन पे और फिर पेमेंट आपका प्रोसेस हो सकता है। तो ये जो तरीके हैं ना भैया, आजकल भैया पेमेंट के लिए बहुत ज्यादा निकले हुए, क्यों, वाई, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई है क्योंकि जहां देखो पेमेंट की बात आती है तो वहां सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, ज्यादा सिक्योर सिस्टम तो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इसका शॉर्ट रेंज होना,
कम से कम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। ऐसा वाला मामला नहीं है कि आप रास्ते पे चल रहे हो, दूसरा बंदा भी रास्ते पे चल रहा है, आपने क्रॉस किए एक दूसरे को, आपके अंदर बहुत बीच में बहुत डिस्टेंस था, आपके जो भी डिवाइसेस थे वो एनएफसी एनेबल्ड थे, तो अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं। यहाँ पे आपको इंटेंशनली खुद से वो जो डिवाइस है वो आपको दोनों जो एनएफसी एनेबल्ड डिवाइस है उनको साथ में रखना पड़ेगा, कम से कम डिस्टेंस का जो रेंज है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके वो कनेक्ट करेंगे एंड देन डेटा एक्सचेंज परफॉर्म होगा, सेंड रिसीव वाला फंडा परफॉर्म होगा। तो यहाँ इंटेंशनली आपको ये चीजें करनी पड़ने वाली है, अनइंटेंशनली यहाँ पे चीजें होंगी नहीं पॉसिबल। आप बात समझ पा रहे हो? और इस वजह से अटैकर भी थोड़ा सा इस चक्कर में पड़ जाता है कि इतने कम डिस्टेंस में क्या ही हैक करूं, क्या ही अटैक करूं, इसके ऊपर कैसा ही मैं डेटा जो है रिट्राइव करूं कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन चल क्या रहा है। तो बढ़ते हैं भैया अगली टर्म की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब एनएफसी की बात करते हैं, यानी कि एनएफसी टैग्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो टैग्स मतलब के छोटे छोटे निक्के निक्के से भैया वो टैग्स होते हैं, और उसमें भैया आप क्या कर सकते हो, अपना जो डेटा है कम से कम मात्रा में जो डेटा उसमें फिट हो सकता है, स्टोर हो सकता है, वो आप स्टोर करके रखते हो, और जब भी कोई एनएफसी एनेबल डिवाइस भैया उसके सामने आता है तो वो डेटा उसको दे देता है, सिंपल सा फंडा है। तो इस तरीके से एनएफसी एनेबल टैग्स जो है इसका आप इस्तेमाल करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूज केस अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, जो जो आपकी इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स है, लेट से ओके आपके पीसी का पासवर्ड हो गया, फोन का पासवर्ड हो गया, वाईफाई का पासवर्ड हो गया, कोई भी पासवर्ड, मतलब जो आप चाहते हो कि भैया ये जो है मैं भूल सकता हूँ तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इस टैग में स्टोर करके रखता हूँ इस रिस्पेक्टिव डेटा को। ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं होगा, छोटे अमाउंट में डेटा जो है मैं यहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप सीधा अपने फोन को जो कि एनएफसी एनेबल डिवाइस है उसको भैया उसके नज़दीक लेके जा सकते हो और सारी डिटेल्स प्राप्त जो है वो कर सकते हो। दोस्तों इस एनएफसी ने भैया बिजनेस कार्ड को भी साधारण नहीं रखा है, इसको भी स्मार्ट बना दिया, इसको भी स्पेशल बना दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ये बिजनेस कार्ड्स होते हैं इसके ऊपर क्या लिखा होता है, अपना नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, फोन नंबर लिखा होता है, बराबर है कि नहीं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। लेकिन जो ये एनएफसी एनेबल्ड बिजनेस कार्ड्स होते हैं इनमें भैया एक चिप, माइक्रो चिप जो है वो एम्बेडेड होती है, इसमें वो मौजूद होती है, सही बात है, और उस चिप के अंदर हम लोग जो है डेटा रख सकते हैं। कौन सा डेटा? कुछ स्पेशल केस डेटा, कुछ स्पेशल क्लाइंट्स के लिए जो डेटा हम लोग चाहते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं भैया नॉर्मल क्लाइंट तो चलो उनको तो अपन ने थमा दिया वो टेक्स्ट वाला नॉर्मल सा बिजनेस कार्ड, लेकिन कुछ स्पेशल क्लाइंट्स होते हैं उनको कुछ एडिशनल हमसे डिटेल्स चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो वो जो एडिशनल डिटेल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो डेटा है वो हम इस चिप के अंदर रख सकते हैं। और जैसे ही भैया वो जो क्लाइंट है वो अपना एनएफसी एनेबल डिवाइस सामने लाता है, पास में लाता है, टैप करता है, उसको वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो है उस बिजनेस से रिलेटेड प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारा फंडा दोस्तों आपको यहां पे समझना है। यहां पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, दैट इज पावर। भैया देखो पावर का एरो नीचे जा रहा है, यानी कि लो पावर, इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है ना भैया एनएफसी टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा हाई पावर रिक्वायरमेंट नहीं है भाई साहब, कनेक्ट भी फास्ट वे में करेगा और खर्चा भी कम से कम लगेगा। सो लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, लो पावर सॉल्यूशन है, हाई सिक्योरिटी वहां पे वो प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में भैया सारी डिटेल मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी। अगर आपको समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।